बात करेंगे सन्नी देओल की पांच ऐसी अपकमिंग मूवीज के बारे में कि बॉलीवुड के सारे हीरोज की फिल्मों को पीछे करते हुए पांचों की पांचों 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहले नंबर पर है बॉर्डर 2। बॉर्डर 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 बनने जा रही है। इस मूवी में हमें सन्नी देओल और आयुष्मान खुराना लीडिंग रोल में देखने को मिलेंगे। इस मूवी का निर्माण जेपी दत्ता, निधि दत्ता, भूषण कुमार के साथ करने जा रहे हैं और उसका डायरेक्शन अनुराग सिंह करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि इस मूवी में आयुष्मान खुराना एक जवान के रोल में हमें देखने को मिलेंगे। और मेकर्स की तरफ से न्यूज मिल रही है कि इस मूवी की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 को रखी जा सकती है। और पिछले एक साल से इस मूवी पे वर्क चल रहा है और अभी थोड़े समय बाद सन्नी देओल इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी मूवी है सन्नी देओल की लाहौर 1947। इस मूवी में हमें सन्नी देओल के साथ प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में देखने को मिलेंगी और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं आमिर खान और इस मूवी का डायरेक्शन देंगे राजकुमार संतोषी। और गदर 2 के बाद सन्नी देओल ने पहली फिल्म पर जो काम शुरू किया था वो था लाहौर 1947। और बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है और अभी ये मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। लाहौर 1947 को मेकर्स 2025 में रिलीज करने की तैयारी में है। 2025 के शुरुआती दौर में ये मूवी रिलीज हो सकती है। तीसरी मूवी है सन्नी देओल की गदर 3। गदर 2 की मेगा सक्सेस के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि गदर 3 को अनिल शर्मा को जल्द से जल्द बनाना चाहिए और पब्लिक की इसी डिमांड पर अनिल शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि गदर 3 की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है और 2025 में उस पे वर्क शुरू हो जाएगा। 2025 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। इस मूवी में एक बार फिर से हमें सन्नी देओल, अमीषा पटेल, उत्कृष्ट शर्मा, गदर 2 की पूरी कास्ट पाकिस्तान को दहाड़ती देखने को मिलेगी। अगर 2025 में इसकी शूटिंग स्टार्ट होती है तो कहीं जाके ये मूवी 2026 या उसके एंड तक जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से हमें गदर 3 और सन्नी देओल का हैंडपंप वाला सीन देखने में मजा आएगा। सन्नी देओल की चौथी फिल्म है अनएक्सेप्टेड, साउथ की एक मूवी है जो कि वो करने वाले हैं मैंत्री मूवीज के साथ। ये मूवी जो कि पुष्पा मूवी के मेकर्स है वो मूवी सन्नी देओल के साथ बनाने जा रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मैंत्री मूवीज की ये मूवी की शूटिंग सन्नी देओल जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं और बकायदा इनके लिए लुक भी सामने आए थे सन्नी देओल के। और बताया जा रहा है कि इस मूवी को बड़े ग्रैंड लेवल पे बनाया जाएगा और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। अभी इस मूवी के बारे में कास्ट या अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मूवी साउथ की। ऐसे ही कोई खबर मिलती है हम इसके बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। लास्ट फिल्म है सन्नी देओल की माँ तुझे सलाम 2। जी हाँ, पूरे 22 साल बाद ये मूवी बनने जा रही है। गदर 2 की सक्सेस के बाद ही इस मूवी की अनाउंसमेंट और घोषणा कर दी गई थी लेकिन उसके बाद अभी तक उसकी कास्ट पर कोई अपडेट नहीं है। बताया जा रहा है कि सन्नी देओल के अलावा इस मूवी में रिसेंट टाइम का कोई बड़ा हीरो हो सकता है लेकिन अभी तक उस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे ही इस मूवी पर कुछ कंफर्मेशन आएगी हम वीडियो में जरूर बता देंगे। और आप ऐसी ही सन्नी देओल की ताजा खबरों और लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आपके अपने भाई की चैनल पागल बॉलीवुड SM को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप सन्नी देओल की कौन सी अपकमिंग मूवी का इंतजार कर रहे हैं वो भी बताइएगा।